हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसराइज फ्लसिंग बायो सिस्टम की जो कि अभी रिसेंटली ही इंडियन रेलवे में यूज होना शुरू हुआ है पहले तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल टॉयलेट्स जो पहले यूज होते थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी जो नॉर्मल टॉयलेट्स थे वो सिर्फ वाटर हेड जो अवेलेबल होता था उनके पास लगभग दो मीटर का उसी को यूज़ करते थे पैन को साफ़ करने के लिए जो कि सफिशेंट नहीं होता था पैन को अच्छे से साफ़ करने के लिए इस सिस्टम में पानी की बर्बादी भी बहुत बड़ा इशू था और क्लीनिंग जो काफ़ी इफेक्टिव नहीं होती थी उसके कारण कई बार मैनुअल क्लीनिंग करनी पड़ती थी काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस इशू को सॉल्व करने के लिए रेलवेज ने फिर बायो वैक्यूम टॉयलेट का यूज़ करना शुरू किया ये सबसे पहले कालका दलित शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रायल किया गया ये सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था बट इसके साथ भी कुछ और प्रॉब्लम्स थी वैक्यूम बायो टॉयलेट का ओवरऑल ऑफ द मेजर इशू था टॉयलेट का चोक होना क्योंकि पैसेंजर्स को उसके यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस के बारे में अच्छे से पता नहीं था इसके अलावा वैक्यूबा टॉयलेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फेल होने की भी कई बार कंप्लेंट्स आई एंड कभी कभी ओ बी स्टाफ की ठीक से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण उसकी मेंटेनेंस में दिक्कतें आई इनफेक्टिव फ्लशिंग के कारण फॉल स्मेल की कंप्लेंट्स भी कई बार पैसेंजर्स ने दर्ज कराई एंड फॉल स्मेल की जो कंप्लेंट्स थी एल एच बी कोचेज में वो इंडियन रेलवेज में काफ़ी हायर लेवल पे भी इसे रेज किया गया अब इंडियन रेलवेज़ को एक नए टॉयलेट सिस्टम की जरूरत महसूस हुई क्योंकि वैक्यूम टॉयलेट में बहुत सारे इश्यूज़ थे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उसमें कई सारे वेरी डेलिकेटेड डिवाइसेस यूज होते थे जैसे इजेक्टर विद पिंच वॉल जिसका मेंटेन करना एंड रिप्लेस करना मुश्किल होता था ओबीचे स्टाफ में ट्रेनिंग की इशू आ रहे थे एंड पैसेंजर्स में भी एडोकेट अवेयरनेस नहीं थी उसको कैसे यूज किया जाए जिसके कारण वो बार बार उसे साफ़ करने और ठीक करने की जरूरत पड़ती थी उसे कॉस्ट भी काफ़ी हाई था तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया एक नया टॉयलेट सिस्टम जो कि प्रेशराइज़ फ्लशिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स सारे नए एल एच पी कोचेज़ में प्रेशराइज़ फ्लश सिस्टम ही लगाए जा रहे हैं अब हम प्रेशराइज़ फ्लशिंग सिस्टम के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करेंगे इसका डिज़ाइन बेहद सिंपल है और इसका वॉल्स का डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना होने की वजह से इस इस में अगर कोच में इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो भी इसे फंक्शनली इस्तेमाल किया जा सकता है इसका कॉस्ट बायो वैक्यूम टॉयलेट के कंपैरिजन में वन फोर्थ होता है और एन रूट की चोकिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं होती कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन ना होने की वजह से ये बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है और ओ की वारंटी इसे छः साल तक कवर भी करती है अब हम बात करते हैं प्रेशराइज फ्लसिंग सिस्टम के सर्किट डायग्राम की यह कंपोनेंट एयरलाइन बॉल वाल्व है जिसको ओपन करने से पूरा सिस्टम ऑक्जिलटी वायर के प्रेशर से चार्ज हो जाएगा इस वॉल्व के बाद यह प्रेशर एयर न्यूमेटिक ट्यूब्स के थ्रू फिल्टर एंड रेगुलेटर यूनिट में पहुंचती है जिसका टॉप व्यू और डायग्राम इस पिक्चर में दिखाया गया है यह कंपोनेंट प्रेशराइज एयर में से डस्ट को रिमूव करता है और उसके प्रेशर को थ्री बार पर सेट कर देता है उसके बाद यह प्रेशराइज एयर फाइव बाई टू मैकेनिकल वॉल्व में पहुंचती है जिसमें पांच पोर्ट होते हैं और जिसकी दो पोजीशंस होती हैं फ्लशिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इस वॉल्व को तीन सेकेंड तक फुली प्रेस करके रखना पड़ता है इस वाल्व से दो न्यूमेटिक ट्यूब्स निकलती हैं और जो कि प्रेशराइज़र यूनिट में कनेक्ट होती हैं और यही दोनों ट्यूब्स प्रेशर यूनिट के फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन को कंट्रोल करती हैं प्रेशराइज़र यूनिट के फॉरवर्ड मोशन वाले न्यूमेटिक ट्यूब से एक ब्रांच लाइन निकलती है जो कि वाटर लॉकिंग नट को जाती है वाटर लॉकिंग नट एक स्प्रिंग लोडेड तो यूनिडायरेक्शनल चेक वॉल्व है जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है अब हम प्रेशर फ्लशिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहला कंपोनेंट प्रेशराइजर यूनिट है जिसमें इन दोनों जगहों पर फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए न्यूमेट्रिक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है और इस जगह पर रिटर्न स्ट्रोक के लिए न्यूमेट्रिक ट्यूब को कनेक्ट करते हैं यह पोजिशन वाटर इनलेट के लिए और यह पोजिशन वाटर आउटलेट के लिए है और यह कंपोनेंट वाटर लॉकिंग नट है जिसका फंक्शन हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगला कंपोनेंट फिल्टर रेगुलेटर यूनिट है इसमें प्रेशराइज्ड एयर में प्रेजेंट डर्ट को फिल्टर किया जाता है और प्रेशर को थ्री बार पर सेट किया जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट पुश बटन स्विच है जिसको तीन सेकेंड तक दबा के रखने पर हमारा प्रेशराइज फ्लस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यह होज़ पाइप्स वाटर कनेक्शन के लिए हैं यह नाइलॉन न्यूमेटिक ट्यूब्स हैं जिसमें प्रेशराइज़्ड एयर पूरे सिस्टम में ट्रैवल करता है और यह कुछ होज क्लैम्पस और न्यूमेटिक फिटिंग्स हैं जो कि प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं यह प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करने पर यह सिस्टम वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है अब हम प्रेशराइज फ्लसिंग सिस्टम के वर्किंग को समझेंगे सबसे पहले हमारा फीड पाइप चार्ज होगा और एयरलाइन बॉल वॉल ओपन करने के बाद वो फिल्टर एंड रेगुलेटर यूनिट के थ्रू पुश बटन जाएगा और वहाँ से रिटर्न स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब में जाएगा ताकि हमारा पिस्टन पीछे ही रहे जैसे ही हम पुश बटन स्विच को पुश करेंगे प्रेशराइज्ड एयर फॉरवर्ड स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब के थ्रू पिस्टन को पुश करेगा और इसकी एक ब्रांच लाइन वाटर लॉकिंग नट में जाएगी जो कि वाटर को पास होने देगा एक ही डायरेक्शन में जैसे ही हमारा फ्लश कंप्लीट होगा रिटर्न स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब में एयर आएगी और वो पिस्टन को पीछे कर देगी ताकि वाटर टैंक से प्रेशराइजर यूनिट में वाटर फिर से फिल हो सके नेक्स्ट साइकिल के लिए इसके बाद हमारा पुश बटन स्विच रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा अगर आपको प्रेशराइजर यूनिट की वर्किंग के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ये छः कंपनियाँ हैं जो इंडियन रेलवे को प्रेसराइज फ्लशिंग सिस्टम सप्लाई करती हैं अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एक फ्लश में डेढ़ लीटर पानी यूज़ होता है और तीन लीटर एक कंप्रेस्ड एयर का कंजम्पशन है इसका ऑपरेटिंग मेथड पुश बटन है जो कि पुश बटन को तीन सेकंड तक पुश करके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है और इसका साइकिल टाइम 1.5 मिनट है इसका मतलब डेढ़ मिनट में यह सिस्टम फिर से फ्लशिंग के लिए रेडी हो जाता है और यह प्रेशर डिफरेंशियल के बेस पर काम करता है इसका वर्किंग मीडियम कंप्रेस्ड एयर है यानी पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत है जो कि ऑगजिलरी एयर टैंक से आती है जिसको फीड पाइप से चार्ज किया जाता है और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर टू टू थ्री बार है यह फ्लशिंग के लिए वाटर का यूज़ करता है जो कि ओवर टैंक से मिलती है और इसका फ्लशिंग प्रेशर टू टू थ्री के पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद